सॉरी आपने सिर्फ 6 सेकंड के लिए हाथ धोए। कितनी देर धोना चाहिए? हाय, वैसे आई एम आयुष्मान खुराना। हेलो अंकल, पहले प्रॉपर हैंड वॉश कर ले। ठीक है दोस्त, कैसे ने, ने, ने। ऐसे? अंकल गुड, अब अपने पैंट को अच्छी तरह रब करो, आगे और पीछे। ऐसे? रुको रुको, आपके दिल या बहुत कीटाणु छुपे होते हैं। और हाँ, थम्स को मत भूलना। हो गया दोस्त, पानी बचाना भी तो जरूरी है। वाह, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? और एक और बात, हैंड वॉश पूरा 20 सेकंड के लिए करना चाहिए। समझा। फिर ड्रायर हैंडल विद द टॉवल और एयर ड्रायर देम। गॉट इट। तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया किसने? आ जाओ दिखाता हूँ, मेरे जैसे मेरे और भी दोस्त हैं यहाँ पर। ओ बाय द वे, माय नेम इज स्टीव सुजीवन, नाइस टू मीट यू। चलो बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। दिस वर्ल्ड दिस प्लैनेट इज बीइंग लेफ्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। दिस इज द जनरेशन दैट विल इनहेरिट द अर्थ लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन। इंडिया इज अ यंग कंट्री, इन फैक्ट इट हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस। इट इज होम टू 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स यूथ। इफ यू कैन चैनल द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ दिस यूथ डेमोग्राफिक टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस, देन थिंक ऑफ हाउ मच फास्टर वी कैन गेट टू आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। And so it is garv ki baat that youth heroes are leading the charge in India, championing climate action, promoting hygiene and advancing public health. Their innovative solutions and passionate advocacy are driving meaningful change, inspiring communities to adopt sustainable practices. These are the future leaders of our nation. These are the young change makers who will pave the way for a healthier, greener India. और इसीलिए हमें इन बच्चों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं ये बच्चे। क्यों बच्चों? वेल थैंक यू आयुष्मान। आई थिंक आयुष्मान हैज सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर शो टुडे। एज वी रैप अप द 10th सीजन ऑफ द एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, द फोकस शिफ्ट्स टू द फ्यूचर। इट इज यंग पीपल टुडे हु होल्ड द की टू ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। The youth bring fresh perspectives, innovation and boundless energy, making them pivotal in driving positive shifts in various aspects of society. And today on Independence Day, we are celebrating the power of India's youth. We are at the MCT Tagore Garden on this special day in the MCT school. Now, over the years, our campaign has been working very closely with children. Millions of children are part of the Banega Swasth India campaign through the Hygiene Curriculum, Hygiene Olympiad and the CRI schools. So let me just tell you a little bit about the CRI schools. Climate resilient schools are the schools designed to be resilient to the impacts of climate change. They incorporate features and practices that help mitigate environmental impact and adapt to changing climate conditions. These schools focus on sustainability, including energy efficiency, water conservation, and waste management, while also educating students about climate change and caring for the environment. The CRI schools are creating a learning environment that supports both the educational needs of the students and the health of our planet. Aapne climate change ki baat ki. Ji. This is perhaps the most pressing issue of our times. Aapko pata hai ki climate change kya hota hai bachcho? Yes! Wow. Acha sab bataiye climate change hai kya? Aap kya samajhte hain? मैम, क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु परिवर्तन। और जो भी पृथ्वी पे पोल्यूशन होता है ना, तो पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसमें होल्स हो रहे हैं, जिससे जो सन है उसकी पराबैंगनी किरणें सीधा हमारी पृथ्वी पे आती है, और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। बरसात में बारिश नहीं हो रही है और सर्दियों में बर्फ़ नहीं हो रही है। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जिस हिसाब से वहाँ आज तक बारिश होती थी, और उस हिसाब से इस बार इतनी बारिश नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। क्लाइमेट चेंज हैज अ बेयरिंग ऑन एवरी सिंगल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑन एवरी सिंगल वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द रिच एंड द पुअर, ऑन सिटीज एंड विलेजेस, एंड इट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद हेल्थ एंड हाइजीन। थिंक ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्रॉट्स,
floods, rain and extreme heat. So did you all know that in fact children who bear the brunt of climate change, it impacts them the most despite contributing minimally to greenhouse gas emissions. So it's not really their fault, but they're bearing the brunt. It's imperative to prioritize their protection and empower their voices. And who better to do it than themselves? So joining us today, let me introduce our panel. We have with us Vihan Agarwal, co-founder One Step Greener. We have with us Naveen Singh and Anushka. They are in the audience. They are from the CRI schools and they've come all the way for this special show. Thank you so much. We have Dr. Narendra Saini, Chairman, AMR, Standing Committee, Indian Medical Association. We also have with us Mr. Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF India. Joining us is also Dr. Randeep Guleria, former director, AIIMS Delhi. Dr. Prashant Saxena, Senior Director and Head Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine, Fortis Hospital, Vasant Kunj and Fortis Gurugram. And of course, we have with us Mr. Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnerships, SOA Reckitt. Well, thank you all so much for joining us on this very special Independence Day. So, Vihan, you began your journey as a child right activist by the age of 11, I think. Ab 11 saal ke the. 14. My younger brother was 11. Yeah. So, they both 11. Have been doing this you started together. Young. That's amazing. तो आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए और शुड दे स्टार्ट यंग लाइक यू डू एब्सोल्युटली आई मीन वी आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट वी आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट ऑलरेडी इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू इट हु इज राइट सो देयरफॉर वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट वी फ्रैंकली गिवन अप ऑन द ओल्डर जनरेशन टू चेंज देयर वेज सो वी हैव टू टेक एक्शन एंड डू इट आवरसेल्व्स अनुष्का मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी आप आए हैं उत्तराखंड से आप सीआरआई स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में बताइए आप उन स्कूलों में क्या सीखते हैं और मिशन लाइफ के बारे में यहाँ के बच्चों और हम सबको उसके बारे में एजुकेट करिए मैम मैंने डेटोल क्लाइमेट स्कूल की साइट से ये सीखा है कि हम गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो मैंने उस साइट से ये सीखा है कि हम जो गार्बेज होता है वो टू टाइप्स का होता है अजैविक और जैविक जो जैविक होता है ऑर्गेनिक उससे हम खाद बना सकते हैं जो हमारी क्यारियों के लिए बहुत यूज़फुल होती है और अजैविक जो प्लास्टिक की चीज़ होती है उससे हम इको ब्रिक बना सकते हैं जो हम अपनी क्यारियों की बाउंड्री बना सकते हैं जिससे प्लास्टिक जलेगा भी नहीं और पॉल्यूशन भी नहीं होगा थैंक यू वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह आई मीन हाउ व्हाट एन इंपैक्ट इट मेक्स आयुष्मान आप पूछना चाहेंगे कुछ बच्चों से इनफैक्ट ये अनुष्का उस राज्य से है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बहुत इफेक्ट्स देखे गए हैं उत्तराखंड में चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं या वेदर सिचुएशन वहाँ पर बहुत चेंज होती रहती हैं सो आई थिंक वहाँ के बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में फिर भी हमें कम नज़र आता है पर पहाड़ों में हिमालयाज में खासकर उत्तराखंड में आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है क्लाइमेट चेंज का सो आई एम वेरी प्राउड कि आप इस उम्र में यहाँ पर आए हैं दिल्ली आए हैं और अपनी बात आपने सामने रखी है थैंक यू सर सो प्राउड ऑफ यू अनुष्का थैंक यू सर इनफैक्ट यहाँ पे और भी बच्चे आए हैं ऑब्वियसली सारे नहीं आ सकते थे यहाँ पे नवीन है हमारे साथ आयुष्मान हम आपसे पूछना चाहेंगे नवीन आप जो सीखते हैं अनुष्का ने हमें बताया कि आप स्कूल में क्या सीखते हैं लेकिन वो अपने घर पे जाके अपने भाइयों बहनों या कम्युनिटी में वो कैसे बताते हैं कि जो आप स्कूल में सीख रहे हैं आप वापस अपने कम्युनिटी में कैसे लेके जाते हैं जो मैम मैं कई चीज़ें सीखता हूँ स्कूल में जैसे कि हैंड वॉश करना चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद सोच के बाद या फिर जब भी आपको आप अपने हाथ गंदे लगे तब हमें हैंड वॉश करना चाहिए तो मैं यही अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूँ और जैसा कोई बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पता नहीं है कि हाथ धोना चाहिए वो मिट्टी में काम करके आते हैं तो फिर खाना खुना खा लिया जिससे वो बीमार हो सकते हैं मैं उनको भी बताता हूँ कि हाथ धोना चाहिए और हम सीखते हैं कि कचरे को कैसे अलग करें जैसे गीला कचरा होता है सूखा कचरा होता है ई कचरा होता है इन सबको अलग रखना चाहिए ताकि जो गीला कचरा है वो हमारे खाद में काम आ सके जो सूखा कचरा है वो रिसाइकिलिंग के लिए जा सकता है और ई कचरा वो भी रिसाइकिलिंग के लिए जा सकता है तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं मैम आई थिंक बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर हम साफ रहेंगे तो कनेक्ट की बीमार नहीं पड़ेंगे सो द कनेक्ट बिटवीन इट्स सो ऑब्वियस एंड बच्चे वो सीख रहे हैं रवि सिंह जी हम आपसे शुरू करना चाहेंगे आई थिंक यू आर द एक्सपर्ट हियर आयुष्मान रवि सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि You're doing a lot of community-led conservation like turtles and dolphins. And how saving biodiversity impacts climate and health in general? Thank you. And thank you for inviting me here. You mentioned aquatic biodiversity, which is basically the examples you took were dolphins and turtles. Of course, the fish, wild fish. Primarily, they are the indicators of our biodiverse water system. If they are there present, if they are in good number, that means your water, your rivers are healthy. If your rivers are healthy, your nation is strong. It's as equal and quotient as that. Secondly, the
presence of certain creatures which are very delicate in their existence. Dolphins, for instance, you took that name. They have evolved over 200 million years or so. And their presence on Earth indicates a certain balance of life for us, which they represent. Gee. And the understanding of this, which is so close to our nation, that heritage, tradition, life, culture, religion, all these are involved in the sanctity of life. And what does it mean? It means that the sanctity of life has a representation to the quality of life. This is the equal one to the other that it represents. थैंक यू. आपने इतने अच्छे शब्दों में उनको समझाया. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने मैसेज दिया क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आयुष्मान, आई थिंक जो उन्होंने बताया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावर करना हर बच्चे को बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. मुझे तो ये लगता है बच्चों की बात कर रहे हैं और हम मिलेनियल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जेन जी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो जेन अल्फा ही है जो करने वाले हैं आगे जाकर कुछ. जी डॉक्टर सैनी, लास्ट ईयर वी स्पोक टू यू इन डिटेल एंड इट वॉज वेरी इनलाइटनिंग, एंड दिस टाइम अराउंड माई क्वेश्चन टू यू इज दैट क्लाइमेट चेंज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लॉट ऑफ इलनेस and infections and what kind of precautions and medication should we take to counter that. dekhiye sabse pehle to main kahunga hygiene ki baat chal rahi thi. ji hygiene hum sabke liye zaruri hai aur bachcho ke liye khas taur pe, kyunki ye log jo change la sakte hain wo shayad hum log nahi la sakte. hygiene pe ek baat kehna chahunga ki hum word loose term use karte hain. hygiene means protecting from the disease, yani ki mari apne aap ko disease se bachana aur dusron ko bhi bachana. yadi choti si baat hum haath dhote hain, हाथ धोना एक बहुत सिंपल सी बात मानी जाती है, लेकिन हाथ धोना एक सबसे बड़ा हाइजीनिक है कि हम अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं. तो दूसरा आपने कहा कि क्या दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए. विश्व भर में ये बात चल रही है विश्व भर में कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है और हम इसका अंधाधुन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. आज का मैसेज सिर्फ ये है, यदि हम बीमार हैं दवाई बिना डॉक्टर के मत लीजिए, सिर्फ अपने आप को हाइजीनिक रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं. तो एक तरफ वायरसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी यू नो वायरसेस पैथोजेंस बढ़ रहे हैं, एंड वेरी ऑफन हम अननेसेसरी आई थिंक पॉपिंग ऑफ पिल्स जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सो रवि, वी हैव चिल्ड्रन हियर विद अस जो आप देख रहे हैं कि CRI स्कूल से है, हाइजीन ओलंपियाड के विनर्स हैं. Tell us the impact, like jit bachon ne inhone hygiene curriculum padha hai, how has the Banega Swasth India campaign helped in the various aspects of health and hygiene, kyunki hum usi ki baat bare mein aaj baat cheet kar rahe hain. So first of all, thank you Ambika and thank you NDTV for having us for the 10th season finale. We have been continuously working with the kids. Our journey has been remarkable. When we started with 2500 kids in the season 1 to now actually reaching to around 30 million kids across India. By large, this is one of the biggest programs, not just on health, it's the biggest program on one health, where there is an integration of the human health, animal health, plant health, and we also, you know, we have been evolving from year to year to year, and we saw like, we created an index, which is the climate index, which we did for the northeastern India along with the NDTV and Ernst & Young. We saw there's a huge, huge potential and need to bring change among the kids, and which is being supported by the Prime Minister's one of the flagship programs, Mission Life also. So we thought like, why not to work with the kids and make them the change agents, because they are firsthand experiencing what's happening to the environment and climate around them. We also inculcating something, Ambika, which is basically self-care. Yes. Self-care for the kids, so that they go back and they educate other kids and they educate themselves. So the whole curriculum is in place. And I'm very proud to tell you, when we met Mr. Ravi Singh in our office, our leadership, Gaurav, agreed to take WWF climate curriculum to all the schools where the hygiene curriculum is actually there in place. So that's a point of interaction and intersection what we want in the future. And there's some very relevant studies what we are actually doing at this moment to understand the impact of the climate resilient schools on the overall well-being on the kids, the happiness index, the health index,
And the third thing is basically the school illness days, how we are able to reduce all this illness days. So it's a long journey for us. बहुत कुछ किया है, long journey है. In fact, बच्चे जैसे रवि ने कहा, बच्चों आपको empower करना है. Y'all are the future. आप ही हमारा भविष्य है. हमारे साथ इतने दिग्गज मतलब इस experts हैं. In fact, आप देख सकते हैं विहान, we have such experts. If you have any questions, या बच्चे अगर आपके लिए डॉक्टर सैनी, डॉक्टर प्रशांत सक्सेना हमारे साथ हैं, he is really the expert. कुछ सवाल हो आपको जो पूछना चाहें, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सैनी से है. मुझे आपसे ये पूछना है कि सर, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे बैक्टीरियाज बढ़ते हैं या घटते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज होगा यदि हम अपने आप को हाइजीनिक नहीं रखेंगे. हाइजीन सिर्फ हमारे हाथों से नहीं, हमारी अपनी से नहीं है. हाइजीन इन एनवायरनमेंट, हाइजीन इन आवर सराउंडिंग्स, हाइजीन इन आवर बॉडी, ये सब यदि चीज़ें ठीक रखेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं. दूसरा, जब ये बैक्टीरिया कैसे ग्रो होते हैं, उनके लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है. यस, दिस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे, अपनी दूरी मेंटेन रखेंगे, अपने हाथों को साफ रखेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे भी, एनवायरनमेंट को हम हाइजीनिक रखना है. यदि हमने खाना खाया, कुछ जो बचा हुआ खाना हमने यहीं बाहर फेंक दिया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर जाएंगे. उनको भी खाना चाहिए, उनको भी ह्यूमिडिटी चाहिए. तो इन्वायरमेंट इस समय बहुत अच्छा है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन हम उनके उस पर जैसे ना खाद डालते हैं, हमने अपना खाना छोड़ दिया, कुछ गंदगी छोड़ दी, तो क्या होगा, उनके लिए वो खाद का काम करती है, वो ग्रो करेंगे. इसलिए यदि हम अपनी आसपास की, हम सारे बच्चे सोच लें कि हमने अपनी आसपास की इन्वायरमेंट को ठीक रखना है, स्वच्छ रखना है, तो कोई भी इन्वायरमेंट आ जाए हम स्वस्थ रहेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सैनी. इनफैक्ट सबने इतनी अच्छी तरह बच्चों को समझाया डॉक्टर रवि सिंह. लेकिन आई थिंक जो सबसे इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम सब में से विहान इज द यंगेस्ट जो कि बच्चों को रीच आउट कर सकते हैं. आई थिंक यू नो, अगर आप बच्चों को यू नो, इफ यू वांट टू टेल देम योर जर्नी, अगर आप उन्हें समझा सके कि आपने इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए 14 साल की उम्र में जो शुरू किया, दैट मे मोटिवेट देम अ लॉट मोर. हम इन्होंने ऑफ कोर्स दे गिवन द एक्सपर्ट ओपिनियंस, बट अगर आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को अपनी जर्नी के बारे. तो मैं और मेरे छोटे भाई ने 2018 में ये जर्नी शुरू किया था. बेसिकली आई एम एस्थमैटिक, आई हैव सिवियर एस्थमा, एंड द एयर पोल्यूशन आई हैव लिव्ड इन दिल्ली ऑल माई लाइफ हैज़ अफेक्टेड मी वेरी बैडली. एंड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द एनवायरमेंट, कि कुछ ना कुछ तो करना ही है. और स्कूल में सिखाते हैं कि पेड़ लगाइए, उससे हो जाएगा, लेकिन कितने पेड़ लगाएं और कहाँ लगाएं? दिल्ली में जगह भी नहीं है, कहाँ लगा सकते? पार्क में लगाएंगे तो वो उनका देखभाल भी कौन करता है? तो वो एक थॉट प्रोसेस मेरे में था. एंड आई वाज इन आई थिंक सेवेंथ ग्रेड जब आई वाज गोइंग टू स्कूल, एंड न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था कि जो गाज़ीपुर लैंडफिल है, उस समय दिल्ली का और आई थिंक एशिया का लार्जेस्ट लैंडफिल था, वो उसमें आग लग गई थी और वो कोलैप्स हो गया था और दो लोग दब भी गए थे उसके अंदर. तो वो पढ़ते ही आई फेल्ट कि मेरा जो कूड़ा है वो लैंडफिल में जा रहा है, वो जल रहा है और वही पोल्यूशन मेरे लंग्स में इफ़ेक्ट कर रहा है. तो जब ये छोटा सा कनेक्शन मुझे एकदम साफ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि मैं घर पर क्या कर सकता हूँ, मैं अपना शुरुआत कैसे कर सकता हूँ. तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई फाउंड आउट दैट द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल इज टू सेग्रीगेट वेस्ट एंड इंश्योर इट गेट्स रिसाइकल्ड. बट क्या हो रहा था कि मैं अलग तो कर रहा था कूड़ा, लेकिन जो भैया आ रहे थे उठाने के लिए वो सब मिक्स करके ले जा रहे थे. तो उस समय फिर मैं सोचा कि मैं रिसाइकलर से बात करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो सूखा कूड़ा है वो तो रिसाइकल हो जाए. लेकिन रिसाइकलर्स बोल रहे थे कि आपका तो बस 20-30 kg है, हम लोग तो ये लेंगे नहीं. एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई, हमने जो भी मम्मी थे नेबरहुड में, जो आंटीज थे उनके ग्रुप में हमने एक मैसेज डाला और फिर हम लोग घर से पिकअप करना शुरू किए ड्राई वेस्ट. अब हम लोग 7 सिटीज में हैं इंडिया में. वी आर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम 25,000 होम्स एवरी मंथ, इंश्योरिंग इट्स रिसाइकल्ड एंड हेल्पिंग देम एंड हेल्पिंग स्कूल्स एज वेल एज ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशंस गो जीरो वेस्ट. वेल, दैट इज हाउ आई थिंक यूथ It gets empowered. Thank you so much for sharing our journey. Now let's go across to Dr. Rundeep Guleria, former director, AIIMS. Dr. Guleria, thank you so much for joining us. What changes are you seeing in infections and diseases due to climate change, and how can good hygiene practices help people avoid them? If you look at what has happened over the last 24 years, that is this century,
we've seen a lot of outbreaks and infections happening from SARS to MERS to the H1N1 pandemic to the COVID-19 pandemic, and a lot of other infections which occur in regional areas that are happening. We've also seen the Nipah virus outbreak recently. All of this is related to climate change and the fact that there is a change in the environment, the fact that there is now a crowding of space as far as the world, the globe is concerned. We're becoming a global village. Travel has become much much more. And also there is now the ability of viruses to jump species and infect humans. And that is why if you look at all the outbreaks that have happened in the last 24 years, this century, all of them have been because of viruses jumping species from zoonotic infections becoming human infections and causing outbreaks and pandemics. All of this is due to climate change. And therefore, hygiene in terms of prevention of the spread of infection becomes very, very important, whether it be hand hygiene, whether it be preventing infection by covering your cough or being careful about disposal of your sputum that you have. All of these are very, very important steps in preventing spread of such infections. Dr. Guleria, we have all just seen how the students here are so involved and have so many questions. If you can share with them what measures they can take to improve hygiene practices. बच्चों को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इन्फेक्शन घर ले जा सकते हैं और घर में फिर अगर उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है जो सीरियस हो सकता है. तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए. पहली चीज ये कि अगर आप स्कूल जाएं, अगर आपको बुखार खांसी जुकाम है तो घर पे रहें, स्कूल ना जाएं, क्योंकि स्कूल जाने से आपका जो इन्फेक्शन है वो सारे क्लास में फैल जाएगा और लोगों को भी हो जाएगा. दूसरा, अपना हाथ रेगुलरली धोएं. हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी खाना खाएं तो अपना हाथ धोएं, और जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसी चीज को टच कर रहे हैं जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है तो हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें. अगर आपको कहीं किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है और उसको जुकाम नजला है तो या तो वो भी मास्क लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, और कुछ हद तक उससे दूरी भी रखें तो वो भी बेहतर रहेगा. दूसरा, मैं ये कहूंगा कि बच्चों को अपना एनवायरनमेंट अच्छा करना चाहिए. हमने कई स्कूल में ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया था. आप अपने स्कूल में देखो कि ग्रीनरी ज्यादा हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो. अगर स्कूल, अगर आप आ रहे हैं तो बस में आए, प्राइवेट कार में ना आए, अगर पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, जिससे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन हम दोनों कम कर पाए. We are slipping into a short break. Keep watching NDTV Detol Banega Swasth India season finale. There is a lot more coming up, including the BSI anthem. Stay tuned. आप में से फोन कौन कौन यूज करना जानता है? सबको फोन यूज करना आता है. आजकल सब अगर आप में से कोई ऐप बनाना चाहता हो तो किस पर ऐप बनाता? सर, मेरे को ऐप बनाना है एनवायरनमेंट पे, जिसके थ्रू जो हम लोग होते हैं वो कैसे क्लीन रह सकते हैं, वो भी कार्टून के थ्रू, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कार्टून देखना पसंद करते हैं. तो हम कार्टून के थ्रू उन्हें क्लीननेस, मतलब क्लीन कैसे रख सकते अपनी बॉडी को, वो सिखाएंगे उस एनवायरनमेंट वाले ऐप से. वेरी गुड. आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ. सर, मैं ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ जिस ऐप का नाम है पर्सनल हाइजीन मोड. उसमें मैं, अगर मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ तो उसमें सायरन बजे बहुत तेज़ से. जैसे कि मैं अगर हैंड वॉश खाने से पहले हैंड वॉश करना भूल रही हूँ तो उसमें सायरन बजे. तो इनकी तरह टुडेज यूथ आर वेरी टेक सैवी एंड दे आर यूजिंग दैट सैवीनेस, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू रेवोल्यूशनराइज हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस. विद फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड अ नैक फॉर डिजिटल सॉल्यूशंस, दे आर डेवलपिंग एप्स, smart devices and educational platforms that promote better hygiene and health outcomes. Absolutely, Ayushman, technology and innovations play a pivotal role in enhancing health and hygiene to improve public health, and digital platforms
facilitate health education as well as behavior change, promoting better hygiene practices. So today we have with us to discuss about all of this, we have with us Nikunj Malpani, co-founder and CEO NeoDocs, Mr. Neerad Bhatnagar, senior advisor Dalberg and founder Belong. We have with us Nav Agarwal, co-founder One Step Greener, Anupriya Nayak, CEO Menstrume, and of course we have with us Mr. Ravi Bhatnagar. Ravi, technology plays a very important role for transforming healthcare by making it more accessible. Lekin aap Detol ke through kaise yahan tak pahunch paaye? We are seeing like climate is changing and it's a responsibility of Reckitt as an organization on the public health and not just for the Detol, through Detol. So we have created something which is called Protect QI. So Protect QI is there in the Northeast, India. In all the northeastern states, where you can actually evaluate your self-risk to the STIs and the STDs. It can tell you like how much the risk is, it's low, moderate or high. And then it also signals you to nearby facilities where you should go there for your counseling. And it's deeply linked to the government's programs on youth and on growing up. Third thing is the self-risk assessment on malaria, which we are seeing, like, as we know, like Bareilly is one of the districts which has around 80% of the malaria load of whole of Uttar Pradesh because of its the way it is structured, the way the geography is of Bareilly. So we are bringing an app there where you can actually do your assessment, like how prone you can be to malaria, and then the steps what you can take. Largely, the focus is on self-care for the moms, for the kids under 5, through other programs what we do. But yes, tech has a huge role to play. We're also trying to further strengthen our Hygia game, which has currently 5 levels. And this year, like Candy Crush has unlimited levels to play. We also want to create something on the very similar lines where the Hygia is unlimited. So we're going to make Ayushman play the game in a bit. Yeah, I want to really. Let's see what level you reach. I will try to, yeah. I used to be a gamer earlier. But anyway, Ravi, your excitement and enthusiasm is amazing. Last year also, you're always very excited to tell what's happening with Detol and your stakeholders, with Reckitt and everyone. But my next question is to Nikunj. That what inspired you to create NeoDocs and smartphone-based tests, and how do you envision these things, especially in the rural areas, jahan par pathology labs hoti nahi hai? Hi Ayushman. Hi everyone. It's lovely to be here. So, main thoda sa time leta hun to explain what do we actually do. So, we build acid test cards. Ispe aap agar sample dalo, urine, blood, and you simply click a photo using your phone. 30 second mein results aa jaate hain. What do you say? So you don't need labs, you just need your phone. So हम ये करते हैं. आज बहुत बड़ा issue है delayed diagnostics या फिर misdiagnostics. तो हमने सोचा अगर जो काम lab की machine करती है, वो हम phone पे कर पाए, तो कितना amazing होगा. तो घर पे test हो सकता है, hospitals में हो सकता है, clinics में हो सकता है, government centers में हो सकता है. That is how we actually started, and we actually started with the thought of building for convenience. So I'm born and brought up in Mumbai. I stay in Lokhandwala, went to school in Juhu, went to college in Powai. So we actually started building for that. By chance, last year, we got selected as one of the winners of Maharashtra government's programs, which got us a chance to work with the government in the rural areas. So wahan jaake mujhe samajh aaya ki jo asli India hai, wahan pe kitni dikkate hain. And then I realized that what we're creating can actually help people in rural areas. So we have multiple apps, vernacular languages. We help train the health workers. So that's how we are bringing about a change. Wow. That's great, Nikunj. 80% Bharat chote shahron mein, gaon mein basta hai aur wahan tak pahunch pa rahe hain. It's path breaking. Thank you so much. Next question is to Neerad. Dalberg, Wash aur behavior change ke liye AI ki kaafi help le rahe hai. Aap bachcho ko batana chahte hain ki kya chal raha hai isme? Thanks for having me here, NDTV and Ayushman. We worked on sanitation, we worked on agriculture, we worked on climate change. And what one realizes very quickly is that all of these are multi-pronged problems. So you need
obviously the hardware to be there, you need the toilets to be there, you need the hand washing stations to be there, financing has to be there, the regulation on waste management has to be there. But ultimately, none of this will matter if behavior change is not there. So behavior change is very, very important. And behavior change is more complex than we commonly think, right? So obviously, there's a huge amount of value that IEC campaigns, that information campaigns, that even films like the ones that you do, they are really important in shifting social norms. But you need all of this to come together. So the thing is, we need to do these things in a very scientific way. And the world is changing so rapidly, right? You've got COVID, which happened a few years ago. And all of these risks are coming together. Even in the last panel, we were told how climate is exacerbating health risks, right, and sanitation risks. So the whole idea of AI for us is, how do we democratize behavior change expertise? India has so many different government entities. It has so many different NGOs. It has so many different organizations. And we partner very closely with Reckitt and with Plan. So the question is, AI ko leke, jaise ki abhi bacche jo bol rahe the ki unke paas jo app hai, isme bahut sari functionality hai. So how can we harness AI to really spread, to make a million people experts in behavior change, right? Without that, without this democratization, I don't think it'll actually move forward. And that's what led us to creating this platform called ABCD, the Atlas of Behavior Change and Development. And there we are working with a lot of partners, including Reckitt, Plan, many government agencies, UNICEF, on these kinds of behavior change programs. Thank you so much, Neeraj Agarwal. Aaj hum yahan MCT Tagore Garden School mein hain, NDTV Dettol banega Swasth India campaign ke finale ke liye, aur ab hum baat cheet kar rahe hain innovation ke bare mein, aur Anupriya, main aapke paas aana chahungi. How do you see innovation shaping the future of health and hygiene? Aur khaskar agar main aapko menstrual hygiene ke bare mein poochu, because you started something called Menstromate. Uske bare mein hame bataiye, bachcho ko bataiye. So thank you for having me here, and hi everyone. So I was 15 when I started Menstromate with two other co-founders, Prisha and Vanalika. They're unfortunately not here today. And what we are doing is, we are trying to revolutionize the sanitary sector of the country, because right now it's pretty stale. There's not a lot of innovation that happens in that sector. And jo hame pata chal raha hai ki there's a lot of problems in how in women who are not able to access these products, or they are not able to afford these products. So what we are doing is, we are developing sanitary pads very affordable and very in a very accessible way through underutilized sugarcane bagasse. And we are taking this from like juice vendors. So we go to them and unke jo ganne ke jo chilke hote hain wo hum leke aa jate hain, and hum usi se pads banate hain. And because our raw material acquisition cost is so low, we're able to retail at a very low cost as well. There's not a lot of communication between mothers and daughters. Ki menstrual hygiene kya hai. So when their daughters come of age, they're very ashamed and they're very scared of this overwhelming process that is menstruation. So uske liye we are designing these story books, these children books, which introduces periods in a very safe and a very healthy way with a lot of visual illustrations, so that ki unko bhi samajh aaye ki this is not a process that needs to be afraid of, that they need to be afraid of. Hi Nav, so the question for you is ki how do you see youth driven innovation shaping the future, aur kya challenges face karte hain young innovators isme? I think jo innovation hai wo एक कदम से शुरू होता है, और वो एक कदम एक्शन होता है. जो मेरा संस्था है जिसका नाम वन स्टेप ग्रीनर या एक कदम हरियाली है, उसमें जब हमने शुरू किया था, मैं 11 साल का था, मेरा भाई 14 साल का था, और हमारे दिमाग में ये नहीं था कि एक दिन मैं 17 साल का हूँगा और मैं इतने लोग के सामने बात करूँगा. ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था. लेकिन जो हमने एक कदम लिया इनोवेशन के तरह, हमने बोला कि नहीं, हमारे घर से जो कूड़ा निकल रहा है, दैट हैज़ टू गेट रिसाइकल्ड. वो हमें कूड़ादान भेजना ही नहीं है, उसको हमें रिसाइकल करना है. और फिर 7 साल हो गए काम करते हुए, और हमने ऑलमोस्ट 5 लाख यूथ आपके जैसे को एजुकेट किया है, और रिसाइकल ऑलमोस्ट 10 लाख किलोग्राम वेस्ट को रिसाइकल किया है, और इसकी वजह से 50 मिलियन लीटर पानी बचाया है. और ये मुझे सिर्फ एक चीज़ बताता है, ये मुझे बताता है कि एक 11 साल का बच्चा और एक 14 साल का बच्चा एक कदम आगे बढ़ने में इतना प्रभाव ला सकता है, जलवायु परिवर्तन में इतना बदलाव ला सकता है, कि आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो. मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ करना है तो आपको करना चाहिए.
किसी और के बात मत सुनो और वो एक कदम आगे बढ़ो. It's great to have these youngsters. I mean, speaking like this, they really are the voices and our future. आपकी उम्र क्या है अभी? 17 साल का हूँ मैं. 70. 17. 17. Yes. I got 70. But very well said. आप सीखिए इनसे कुछ. आप ज़्यादा फर्क नहीं है. आपसे 6 साल बड़े हैं सिर्फ ये. और आपकी उम्र के थे जब इन्होंने शुरू किया था. इनके भाई 14 साल के थे सिर्फ. Congratulations, Nav. So Thank proud you. Of you. And next question is to Nikunj again, जो मुंबई से आए हैं. मैं भी मुंबई से आया हूँ और काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं जानने के लिए जो आपने न्यू डॉग शुरू किया है, वो इनोवेशन जो शुरू किया, उसके चैलेंजेस क्या क्या रहे होंगे आपके लिए टू उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में? बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि जैसे आई कम फ्रॉम अ अर्बन सिटी, रूरल एरिया में बहुत ही अलग तरह के लैंग्वेज अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं, वहाँ पे ट्रेन करना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. और ख़ासकर हम एक मेडिकल डिवाइसेस में काम कर रहे हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस फॉर राइट रीजंस यू हैव टू प्रूव योर एक्यूरेसी, गेट वैलिडेशंस, गेट सर्टिफिकेशंस, देन डिप्लॉय. एंड आप जब कुछ नया करने जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो ऑफकोर्स दे विल लुक एट इट वेरी केयरफुली इफ़ इट्स प्रॉपरली वर्किंग और नो बिफोर दे कैन लेट इट आउट इन द ऑडियंस, क्योंकि जनता की हेल्थ का सवाल है. तो वो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनको मीटिंग द राइट पीपल, ट्राइंग टू कन्विंस देम, एक पायलट से शुरू करना, उसका इम्पैक्ट दिखाना. तो ये मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, बट इट्स ऑल वर्थ इट. आई थिंक जो हमें सक्सेस मिलती गई, जो हम इम्पैक्ट देख रहे थे लोगों में, वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन यू नो इम्प्रूव देयर हेल्थ. ऐसे औरतें थी जिन्होंने पहले देव हैड मिसकैरेजेस ड्यू टू इशूज, एंड ड्यू टू आर टेस्ट they identified issues and तो उनका फिर baby हो गया. So all of this makes us really really happy. In fact, thank you. I just want to come to you, Anukriya. मैं सोच रही थी जो आप बात कर रहे थे कि you know your mother is मतलब rural West Bengal से हैं, तो आप communities के साथ कैसे you know interact करते हैं, खासकर अगर menstruate की हम बात करें, how do you reach out to the communities? When we started with menstruate, जब पहली बार जब हम लोग बाहर जाके लोगों से बात कर रहे थे, तो एक चीज़ तो समझ आए कि बहुत लोग बात ही नहीं करना चाहते यार. मतलब ये जो पीरियड्स है, यू नो 355 मिलियन वुमेन इन द कंट्री, तो बहुत लोगों को होता है, बट इवन देन आई थिंक ओनली 15-20% ऑफ वुमेन एक्चुअली हैव एक्सेस टू पीरियड्स और पीरियड प्रोडक्ट्स, सेफ पीरियड प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए जब हम बाहर जाके जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी नहीं सुनते हैं. मतलब आप लोग तो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल, बट बहुत बार हुआ है कि मतलब नहीं सुनते हैं लोग. एंड आई फील लाइक दैट्स ओके, बिकॉज वेन यू अप्रोच इट मतलब धीरे धीरे, यू नो एक एक कदम बढ़ा के, जैसे उन्होंने बोला एक एक कदम बढ़ा के, वेन यू गो टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, देन दैट वर्क्स. तो हम लोग क्या करें कि अभी वी आर ट्राइंग टू अप्रोच मेंस्ट्रुएशन इन अ वे दैट मेक्स इट ईजी फॉर यूथ टू अंडरस्टैंड. तो इसमें हमने जो हमारे फैम्फलेट्स निकाले हैं, जो हमने हमारी बुक्स निकाली हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग इट इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो कि जैसे कि एक वाइडर ऑडियंस को पहुँच सके, एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द मासेस ऑफ द कंट्री, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इशूज़ लाइक मेंस्ट्रुएशन, जो कि हिस्टोरिकली है, बट यार अभी तक मतलब यू नो देयर इज़ नॉट दैट सोल्यूशन दैट हैज़ कम आउट. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली वॉन्ट टू वर्क इन. कंग्रेचुलेशंस अनुप्रिया. एक ऊर्जा होती है एक 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 उम्र में जब आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए. आई थिंक दैट्स द राइट एज जब आप टीन होते हैं, टीनेजर होते हैं, और आपकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम. नीरज, AI और टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ केयर को कैसे आगे लेके जा रहा है, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और ये बच्चे इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो AI जो है वो, अगर हेल्थ केयर की पूरी वैल्यू चेन देखेंगे, अगर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, डायग्नोस करना, उसको ट्रीट करना और फिर उस ट्रीटमेंट से अडहियर करना, तो जो AI है वो इन तीनों स्टेजेस पे बहुत इफेक्टिव हो रहा है. तो जैसे कि निकुंज ने अभी बताया, तो डायग्नोस्टिक स्टेज है, उसमें AI का बहुत यूज़ हो रहा है. जो पहले चीज़ें आपको सैम्पल देना पड़ता था, आप सिर्फ इमेजरी से हो रही हैं. सिमिलरली जो एक्चुअल मैचिंग अभी बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, उस पेशेंट की डिटेल्स पे क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको, वो काफ़ी इनोवेशन्स आ रहे हैं. और बच्चों के लिए आई थिंक बहुत सारे अभी टूल्स ऐसे आ गए हैं, जैसे कि आप कैसे, अभी तो आप बहुत यंग हैं, 11-12 साल के हैं, तो अभी आपका जो है फिटनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ, वो काफ़ी रेलेवेंट है. और जैसे कि आपने आई थिंक एक बच्चे थे वो बोल रहे थे कि ऐसी रिमाइंडर्स आएँ कि मैंने हाथ वॉश नहीं किए हैं, तो रिमाइंड मुझे ऐप
करे. तो इस तरह की चीज़ों में बहुत अपॉर्चुनिटी है. और इंडिया एक्चुअली इतनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में डेवलप हो रही है, और जो AI के मॉडल्स हैं वो वाकई डेमोक्रेटाइज करने वाले हैं जिस तरह से इनोवेशन होने वाला है. आई थिंक जस्ट टेकिंग की जो नीरव कह रहे थे, रवि मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप यहाँ इतने बच्चे हैं, वी हैव टू यंगस्टर्स, आई मीन यू स्टार्टेड रियली यंग, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल ये यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं इनोवेशन की अगर बात करें? सो बच्चों, इनोवेशन तो आप ही लोग करते हैं और आप ही सिखाते हैं. हमने स्टेम एजुकेशन हाइजीन किट बनाया, हमने बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को दिया, टीचर्स को दिया, प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन जो स्टेम एजुकेशन किट निकल के आई वो आपके एज ग्रुप के बच्चों ने ही बनाई. आज वो स्टेम एजुकेशन किट जो है वो अराउंड 1 लाख के आसपास स्कूल्स में जाता है, और उस बच्चे के फोटो भी है जिसने बनाया वो स्टेम एजुकेशन किट. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेम एजुकेशन किट बनाने में कुछ हमें कोई बाहर से कुछ नहीं लेके आना पड़ा. हमारे घर में हैंड वॉश होता है ना, चाहे डिटॉल का है या दूसरा है, हैंड वॉश होता है. घर में कॉर्न स्टार्च भी होता है जिससे हम लोग पकौड़े वगैरह तलते हैं. उन दोनों को मिला के आप जैसे वो डो बॉल होती है ना, जैसे आप उसको बना के फ्लावर बना सकते हैं, खींच के मिला लेते हैं, उसको गूंद लेते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से उसको गूंद लेते हैं, उससे फ्लावर बनाते हैं, उससे डक बनाते हैं, उससे हॉर्स बनाते हैं, तो वही आपका कस्टमाइज सोप हो जाता है. और आप उसको फिर जो है आप अपने वॉशरूम में जाके खुद यूज़ कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेफ भी है, और उसमें सब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेफ है. सोप जो अलग अलग डिज़ाइन में है, ये मिलेनियल्स के टाइम पे क्यों नहीं थे, मैं जानना चाहता हूँ रवि. ये इनको जेन अल्फा जो है बहुत इसका फ़ायदा उठा रही है. आप क्या शेप्स बनाते हैं? कुछ भी. आई थिंक मैं भी जेन अल्फा की तरह बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ डायनासोर से. ओके, तो अब आपको सही जगह लेके. या एब्सोल्युटली. बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, और हम बात कर रहे हैं कि हाउ टुडेज यूथ आर एट द फोरफ्रंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइविंग सिग्निफिकेंट चेंज टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर. यही बच्चों के पास एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, एंड दे आर कमिटेड ऑन रीशेपिंग हाउ यू नो वी एड्रेस दीज ग्लोबल चैलेंजेस. इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हाउ कंबाइनिंग फन विद एजुकेशन बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी can help instill lifelong hygiene practices in children, ensuring better health outcomes for the future. So do stay tuned. We showed you at the start of the show that learning about hygiene can be fun. You can sing songs or recite dialogues while washing your hands. You can read comic books or have puppets teach you about kitanu. The important thing is to learn about hygiene. To banega swasth India ne jo hygiene curriculum ki pehel shuru ki thi 10 saal pehle aur jo tab se lakhon schoolon mein pahunch chuka hai, use desh ke sare schoolon tak hum kaise pahunchaye? और इसी बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजू सचदेवा. वो प्रिंसिपल है टैगोर स्कूल के. डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के. और डॉक्टर कोमल गोस्वामी चीफ ऑफ पार्टी प्लान के. तो आई थिंक सबसे पहले कैन वी गो अक्रॉस टू डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन. थैंक यू सो मच डॉक्टर सौम्या फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. The first thing, you know, we've been talking about climate change, and as climate change continues to affect various aspects of our environment and health, what are the specific impacts that we are seeing on children globally? And Dr. Soumya, I'm asking you this क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम इसको इन impacts को कैसे mitigate कर सकते हैं? Thank you very much for this show and this question, and for shining a spotlight on the impact of climate change, which is often invisible to most people. We do, you know, see from time to time the natural disasters which are occurring with increasing frequency, but there are also slow onset changes which are less dramatic and less visible, but yet have a big influence on people's lives. So the impact on children globally is huge, and what is worrying is because they are the actually future generation who are going to face all of the impacts of all the changes, the anthropogenic effects that human beings have inflicted on this environment,
and which has resulted in the acceleration of global warming. And that in turn has had multiple cascading effects. So if you think about what children, you know, are facing today and can be expected to face, of course, there are the big disasters which happen, you know, so you have flood, or you have a cyclone, or you have a forest fire. These obviously displace people from their homes for either short or long periods of time. People have to move away. Maybe they are living in some kind of temporary camps. So education is affected, nutrition is affected, family bonds are affected, often families are separated. And all this leads to physical and mental stress on the child. Dr. Swaminathan, hygiene is a crucial aspect of public health, especially for children. Could you elaborate on the importance of hygiene for children's health and development? Yes. So, you know, it has been recognized for a long time now that not only is nutrition and good food important for mental and physical growth and development, but also the enabling factors. And the enabling factors basically are clean water, safe sanitation, good housing, and obviously a good environment for the child to grow up in. Particularly the first 1,000 days of life are very important. And so the child begins its journey in this world when it is still in the womb of the mother. And so the environment that it gets from the mother, is the mother well nourished? Is the mother under stress? Does the mother have infections? Does the mother have access, you know, to nutritious food? All of this starts impacting the growth of the child. And then once the child is born, the first 2 years are very critical in terms of both brain growth and physical growth. And so that's where we actually have a problem. We have stunting in our country, which begins, you know, at or before birth and continues after birth. So the child never attains its full potential. So the genetic potential, in order to really achieve that and to have an economy which is thriving, you need human capital. And human capital is basically children's growth. So I'm saying this because water, sanitation are extremely important determinants of a child's growth and development, whether it's at home, whether it's in the school, whether it's in the community settings. And it's really wonderful that our government has such a strong emphasis on sanitation, you know, through the Swachh Bharat Abhiyan and now through the Jal Jeevan program, trying to bring safe water and safe sanitation to every household and community. I think schools, creches, Anganwadis, these are also very important places where children spend a significant portion of their day. And therefore, it's important that every such facility where children are spending time must have good sanitation. Dr. Swaminathan, jaise maine aapko bataya, yahan hamare saath bachche hain. So with your experience, could you share some effective strategies jo help kar sakte in bachcho ko to spread awareness, na sirf apne liye, but inke communities mein bhi, khaskar hygiene ko lekar? So actually, bachcho mein hi, you know, hum ummeed rakhte hain, kyunki wo actually jis tarah se wo badal sakte hain cheezon ko, chahe maa baap na bhi samjhe, agar bachche samajh jate hain, to humne ye dekha hai, to ki chahe wo tambaku ho, जो बच्चे समझते हैं वो घर जाके अपने पिताजी को कहते हैं कि आपके तंबाकू पीने से मेरे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, सबके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, तो घर के अंदर तंबाकू मत यूज करिए. तो दैट्स अ गुड एग्जांपल. बट बच्चों के लिए मेरे ख्याल आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट से, उनको इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है और किसको हम मतलब बिलीव करें और किसकी बात माने. तो जरूरी ये है कि अपने आप को अगर तंदुरुस्त रखना है, और ये भी फिजिकल और मेंटल दोनों, मानसिक तंदुरुस्ता भी जरूरी है, इसके लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले हेल्दी फूड. और आजकल बच्चों में एक ऑब्सेशन हो गया है बाहर से खरीद के खाना खाना, या जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उसको खाना, और जो घर पे माँ बनाती है खाना, जो दाल चावल रोटी अंडा और सब्जी वगैरह, उसको छोड़ के बाहर का वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेज्ड फूड्स लेके खा लेते हैं. ये एक्चुअली बहुत खराब है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और आगे जाके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह होने की बहुत संभावना ज्यादा है. आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी बीपी और शुगर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं. तो सबसे पहले तो अपने खाने पे
आप जरूर अटेंशन दीजिए, और तंदुरुस्त खाना जो फ्रेश हो, जो लोकल हो और जो घर पे बनाया उसको ज्यादातर खाइए। कभी ना कभी बाहर से आप लेके खा सकते हैं, बट रोज रोज उसकी आदत मत बनाइए, बहुत जरूरी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। वैसे तो बच्चे खेलते कूदते ही हैं, बट आजकल ज्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो जरूर 1-2 घंटे बाहर एक्सरसाइज में आपका जैसे भी जो भी पसंद हो, चाहे आप जॉगिंग करें या साइकिल करें या बास्केटबॉल खेलें या आप तैरने जाएं, जो पसंद है, बट वो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बिना जो है मोटापन हो जाता है और मोटेपन से काफी बीमारियां। और तीसरा, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। आजकल डेंगू बीमारी बढ़ रही है, जैसे बारिश होती वैसे डेंगू की बीमारी। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है हर जगह कि मच्छरें अच्छी तरह से वहां पे ब्रीड कर लेती हैं। आप अपने घर में अगर जाके अपने गली में, अपने रोड में, अपने घर के अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे देखें कि कहाँ कहाँ पानी स्टैग्नेंट वाटर है, और उसको अगर हम हटा दें और अगर सब लोग करें इसको, तो वो डेंगू का जो मच्छर है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो डेंगू की हटा सकते हैं। ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, करके दिखाया है कुछ शहरों ने, कुछ गांव ने। तो इसके लिए एक कम्युनिटी मूवमेंट चाहिए, और बच्चे अगर ऐसा मूवमेंट चलाएं अपने स्कूल में भी और घर में भी, तो हम लोग डेंगू से और जो मच्छर से बीमारियां फैलती हैं उससे बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्वामीनाथन। अब हम चलते हैं हमारी यहाँ टैगोर स्कूल की प्रिंसिपल मैम की तरफ। मैम, वेलकम टू द शो। तो अंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे अमल करते हैं ये करिकुलम में अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में? एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं, दे कम एट वेरी टेंडर एज, 3+ से लेकर अराउंड 10 ईयर्स तक के बच्चे हमारे पास होते हैं, एंड ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। एंड दे कम फ्रॉम नॉट वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, दे आर अंडर प्रिविलेज, देयर पेरेंट्स आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, 99.9% दे आर इलिटरेट। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अलॉन्ग विद द करिकुलम, हाइजीन को भी और बाकी जो भी सोशल इश्यूज है, नॉट ओनली हाइजीन, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, वी वर्क ऑन मेनी मेनी थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ करिकुलम। और इन्हें इस एज में ही सिखाया जाता है कि कैसे अपने इवन वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, वो भी हमें करना पड़ता है फॉर द नर्सरी स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर टू यंग टू यूज़ द फ्लश। मैं इसे अपना ड्यूटी समझती हूँ, बिकॉज दे आर एम्बेसडर्स जो जाकर अपने फैमिलीज में ये हमारा जो भी हमारा एक मैसेज है अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को देते हैं, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और करिकुलम में इंक्लूड किया गया है बिकॉज एक तो सब कुछ इन्हें प्रोवाइड किया गया है इन द वॉशरूम्स, द हैंड वॉश आर देयर, देन टॉवल्स आर देयर, देन दैट ड्राइंग मशीन इज देयर, हैंड ड्रायर इज देयर, ताकि जो ये सीख कर जाएँ इस मैसेज को अपने घर तक लेके जाए, और ये जो हाइजीन लेकर हम चल रहे हैं, हाइजीन प्रोजेक्ट दैट बनेगा स्वस्थ इंडिया, बिकॉज हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस। और मुझे लगता है ये हैबिट इनके लिए, इनकी हैबिट बन जाना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड थैंक यू, जब आप इस चीज़ को ब्रांड करेंगे, आप इस चीज़ को मैसेज बच्चों को देंगे, तो दे आर डेफिनेटली डेफिनेटली ये मैसेज इनके घर तक पहुँचेगा और हाइजीन इनकी हैबिट में आ जाएगा, इट विल बी देयर इन देयर प्रैक्टिस। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि पैनल में सिर्फ महिलाएँ हैं और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पर। इनफैक्ट ऑडियंस में भी जितने स्टूडेंट्स से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक ऑल बॉय स्कूल से हूँ, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। आई हैव मोर देन 540 गर्ल्स इन माई स्कूल। यू नो, बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, अपने कम्युनिटीज, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो लिंक बहुत ज़रूरी है। और पिछले 10 सालों से जो हमारा डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन है, पहल यही रही है कि हम बच्चों को वी स्टार्ट देम यंग। तो अब करिकुलम की बात मैं आयुष्मान कोमल से इनफैक्ट पूछना चाहती हूँ। अंजू जी, आप करिकुलम की जो बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड पे आजकल इतनी सोशल मीडिया, एज अ मदर आई फेस इट, सोशल मीडिया है, बच्चे रील्स देखते हैं या टीवी है, सो मच डिस्ट्रैक्शन। आप करिकुलम को कैसे इंगेज रखते कि बच्चे उसमें इंगेज रहे? हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए? थैंक यू अंबिका, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज वी स्टार्टेड 10 ईयर्स बैक। वो बच्चा जो कि 10 साल पहले हाइजीन करिकुलम पढ़ चुका है, वो आज
काइंड ऑफ ग्रेजुएट हो चुका है, यू नो दैट बच्चा इज नाउ नॉट अ बच्चा एनी मोर, ही बिकम और ही और शी हैज बिकम इनटू एन एडोलेसेंट. तो वो जो मैसेज है जो हम 10 साल से बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं, वो आज बच्चे बाहर लेके जा रहे हैं, वो बच्चे जो कि आप सोशल मीडिया चलाना जानते हैं, यू नो, क्योंकि सोशल मीडिया पहले नहीं था, पहले वो करिकुलम था और करिकुलम ही सब कुछ था. हम उस एरा से हैं, मैं, आयुष्मान, आप और मैम, जो बुक्स पे, मतलब बुक्स हमारे लिए सब कुछ होती थी जी. अब धीरे धीरे इंटरनेट आ गया है, करिकुलम ने उस हिसाब से इवॉल्व किया है. आज हम यहाँ पे, हम कुछ दिन पहले से भी बात कर रहे थे, हमने गेम्स बनाए हैं, हमने वो मैसेजेस बनाए हैं, एंड करिकुलम सिर्फ एक करिकुलम नहीं रह गया है, उसके डिजिटाइजेशन, हमने वो फिजिकल एक हाइजीन प्ले पार्क बनाया है जो कि एरागोंडा में है, जो कि गोरखपुर में है, अभी नेक्स्ट हम उत्तराखंड में बनाने वाले हैं. वो हाइजीन प्ले पार्क का काम ही यही है कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं या जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ उसको सिर्फ स्कूल की लिमिटेशन तक नहीं रहे, वो प्रैक्टिकली बच्चे कर पाए. हम इतना मैसेज करते हैं कि हम यू नो बाहर क्या लेके जा रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन एट इलनेस, हाइजीन एट नेबरहुड, हाइजीन एट कम्युनिटी. सो आई थिंक एज द टाइम हैज़ यू नो इवॉल्व, करिकुलम हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड. वो एक बुक पहले वीडियोज़ बनी, 35 वीडियोज़ बनी, यू नो 35 चैप्टर्स है करिकुलम के, वो 35 वीडियो बने, फिर वो 35 वीडियो एक गेम बना, फिर वो एक गेम, अब हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, फिर वो चैटबॉट सिर्फ हमारे डिवाइसेस तक नहीं रहा, वो आगे प्ले पार्क की तरह बन के आया. तो आई थिंक इवॉल्व करते जा रहे हैं, और हमारे जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं, मैं उनको बोलूँगी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इन हाइजीन करिकुलम, वो अपना मैसेज साथ में लेते जा रहे हैं. वो हम एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं दैट इफ यू हैव टच वन लाइफ दैट मीन्स वी आर टचिंग इनटू 3 लाइफ, राइट, 3x. सो आई थिंक वो आगे कंटिन्यूड है, और वही बच्चे जो आई थिंक ग्रेजुएट हो गए हैं, दे आर द यूथ एम्बेसडर्स हु आर टेकिंग दिस मैसेज फॉरवर्ड. क्योंकि हम जो हम बात कर रहे हैं थ्रू द बिगिनिंग, शुरू से जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज इज कनेक्टेड, वेदर इट्स द क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से कैसे हो, पानी नहीं होगा तो हम हाथ कैसे धोएंगे, आई थिंक दैट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बच्चे जो आगे ये लेके जाएंगे वो बहुत जरूरी है. अंजू मैम ने जैसे बोला कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो प्रोबेबली 99% इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो इनके पास दो तरीके हैं अवेयर करने के, प्रीवियस जनरेशन को भी अवेयर करना है और आने वाली जनरेशन को भी अवेयर करना है. दैट्स व्हाई ही सेड रिस्पांसिबिलिटी इनके पास, दैट्स व्हाई ही सेड कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी डबल है, क्योंकि कि हम और वेरी फ्रीक्वेंटली वी ऑर्गेनाइज पीटीएम्स. अभी पीछे हमने एक ऑर्गेनाइज किया था मीटअप विद देयर मदर्स एंड एल्डर सिस्टर्स, जिसमें हमने मेन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे बात की थी. सो ताकि अभी से इनको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि कैसे इन्हें हाइजीनिकली आगे इस चीज़ को हैंडल करना है. सेम थिंग, आप अपने माँ बाप को सिखाते हो कुछ? ओह वाओ, क्लियरली ये देखो क्या सिखाते हो, कोई एक बताओ जो आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो भी मैम ने बताया ले लो. तो आप कोई एक चीज भी प्रिसाइज कि आपने क्या बताया जाकर. सर मैम जो भी जैसे स्कूल में मुझे प्रिंसिपल मैम बताती हैं या मेरी मैम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, तो वो मैं घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को और मेरी जो एक छोटी सी बहन है मैं उसे भी बता देती हूँ, चाहे उसे समझ आए ही ना. लवली. आपकी छोटी बहन कितने साल की है? सर 5 years. Very good. I think we should all give her a round of applause, क्योंकि वो 5 साल की लड़की के लिए she's teaching her younger sister. आप क्या बोलना चाहती हैं बताइए. सर जो मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम चाहे मेरी मैम जो सफाई के बारे में बताती हैं, और मेरे माँ बाप जैसे कोई लोग होते हैं ना खाना बनाते आटा गूंथते हैं तो वो लोग गंदे हाथ से ही गूंथते हैं, वो लोग हम मैम हमें वो लोग सिखाती हैं, वो हम अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि मम्मी ऐसे करो और वो क्या कहते हैं सफाई के मम्मी हैंड वॉश करके ही आटा गूंधा करो और सब्जी हैंड वॉश काट के ही करा करो मैम मम्मी, और हम लोग को खाना भी हैंड वॉश करके ही दिया करो. मम्मा गुस्सा तो नहीं करती? मम्मा सुनती है, मैं भी वही पूछने सुन लेती. गुस्सा तो नहीं करती ना मम्मी कि क्यों टोक रहे हो? गुड, वेरी गुड. हेलो मैम. हेलो सर, मेरा नाम आस्था पवार है. तो जो चीज़ें हमें स्कूल में बताई जाती है, वाटर सेविंग, एनर्जी सेविंग, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया जाता है, वो हम अपने घर में जाके बताते हैं कि एनर्जी सेविंग करनी है और जो सोलर पैनल है उनका यूज करना है. जो वाटर टैप है तो हमारे स्कूल में पुश वाले वाटर लगे हैं, जिनसे मतलब जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, मतलब उसकी सेविंग होती है ना. आज तक ऐसा होता है बच्चे ना कई बार ना नल खुला करके छोड़ जाते थे, वो पानी गिरता रहता था, तो उससे मतलब अब जो पुश वाले नल हैं उससे तब वाटर सेविंग होती है. और जो वेस्ट मैनेजमेंट था हमारे स्कूल में, तो बच्चे कैसे होते हैं कि सारा कूड़ा इकट्ठा एक साथ रख देते थे,
जैसे जानवर बंदर वगैरह आते थे तो उस प्लास्टिक को भी खा जाते थे। तो हमारे स्कूल में होता है कि जो गीला कूड़ा है उसे अलग रखा जाता है, सूखा कूड़ा अलग रखा जाता है, और जो प्लास्टिक होती है वो इको ब्रिक बनाई जाती है, जिसे हम अपने घर में भी करते हैं और अपने मम्मी पापा तक को बताते हैं और वो ये चीज़ें करते हैं और अपने आस पास वालों को भी बताते हैं। थैंक यू सर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द चिल्ड्रन। कोमल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रवि हमें बता रहे थे हाइजिया गेम के बारे, कॉमिक्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे उन्होंने कहा हम इंटरेस्टिंग एप्स बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं आयुष्मान की गेमिंग। ही सेड इज अ गेमर, सो आई यूज्ड टू बी, नॉट एनीमोर। ओके, सो लेट्स, शी इज गोना टेस्ट यू ऑन द हाइजिया गेम। आयुष्मान, दिस इज अ वेरी सिंपल गेम दो बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने ये लास्ट ईयर आई थिंक हमने बनाया था हाइजिया, एंड इसमें सो वी विल स्टार्ट प्लेइंग रिज्यूम। सो इफ़ यू कैन सी, ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे बच्चा है जो, और सारे के सारे जर्म्स इसके पास आ रहे हैं, इसको अटैक आपने मारा। सो दिस इज लेवल वन, वेरी सिंपल बच्चों के लिए। इससे आप बच्चे को इधर उधर कर सकते हैं, यू कैन मूव द किड इन द डायरेक्शन दैट यू वॉन्ट, एंड ये दिस इज द डेटॉल शील्ड, सो इफ द जर्म विल कम क्लोजर जस्ट क्लिक ऑन दिस, यस एंड यस यस यस। सो एज the level will increase, the speed of germs is going to increase, and you can move the kid, yes, and that's how exactly that's the challenge. Oh yeah, that's cool. Yeah, and there are various levels, so this is the bomb, you have to, no, you have to destroy the bomb. Destroy the bomb. Yes, come here, come at this side. Yeah, so this is a power up. You I did think that. Aap show continue karo, main ye khelta hu. Just before we wrap, Anju ji, jaate jaate agar hame bata sake, kya aapne behavior mein, Ayushman, jo we've all seen post COVID, kya aapne wo change dekha hai? Basic lesson jo hota hai, kya wo tougher ho gaya hai? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैं अभी बैठे यही सोच रही थी कि 10 साल पहले तक हमें वो स्वच्छता हाइजीन वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते थे, वी सेल्डम यूज़ दैट वर्ड, यू नो। 2014 में जब स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके बाद से स्वच्छता शब्द इतना ज़्यादा डिक्शनरी में आ गया और हमारे स्कूल में, और छोटे छोटे बच्चे भी ये वर्ड यूज़ करने लग गए स्वच्छता। और तभी से शायद उससे पहले तक, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, उससे पहले तक स्कूल्स में वॉश बेसिन पर हैंड वॉश नहीं दिए जाते थे, सोप रखना, ये चीज़ें कोई मैंडेटरी नहीं थी। आफ्टर दैट इन 2016 व्हेन आई जॉइंड सम स्कूल एज अ प्रिंसिपल, तो वहाँ जाके मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम हैंड वॉश लगवाए, हैंड वॉश दैट स्टेशन, हाँ हैंड वॉश स्टेशन बनवाए वहाँ पर, और ये चीज़ें प्रैक्टिस में स्टार्ट करवाई। और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि आई वॉज वॉकिंग बाय, तो एक नर्सरी का बच्चा दूसरे बच्चे को हैंड वॉश सिखा रहा था, नर्सरी चाइल्ड है ना, जस्ट 4 ईयर ओल्ड ही मस्ट बी, उसको ये बता रहा था कि देखो ऐसे हाथ धोते हैं। तो मुझे वही लगा कि दिस इज़ बिहेव, दिस इज़ व्हाट वी कॉल बिहेवियर चेंज, और यही चेंज हम चाहते हैं, हैंड वॉश इज़ इन देयर हैबिट। तो जब भी मिड डे मील आता है हमारे स्कूल में, मिड डे मील बच्चों को मिलता है, तो बिफोर दैट वी मेक क्लास टीचर मेक इट श्योर कि सब बच्चे हैंड वॉश हो या इनके पास सैनिटाइजर, दे कीप सैनिटाइजर बॉटल विद देम। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू कोमल, एंड वेल दैट वाज फन। वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी बैक विद अ लॉट मोर ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, सो स्टे ट्यून्ड। साफ हाथ साफ तन, साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन। Did you know that any art form, dance, music, painting, sculpture is a form of unspoken communication and therefore a very effective tool for learning? Of course, it is also a visual or musical representation of the lesson you are trying to teach. Well, over the past decade, art has been instrumental in creating behavioral nudges, exemplified by the NDTV Detol Banega Swasth India campaign. Music in particular holds the power to connect with people and deliver impactful social messages. Here's a look at how Detol has harnessed the power of music to drive societal change through art. Tamil Nadunga, adha nalamma
வாழ்வதற்கு வழி செய்யுங்க. रवि, गाना बहुत दिलचस्प है, बहुत कैची है और अलग अलग भाषाओं में इसको सुनना देखना बहुत ही दिलचस्प है. तो ये जो आप ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे हैं अलग अलग भाषाओं के जरिए, तो ये क्या इफेक्टिव तरीका रहा है वहां तक पहुंचने का? मुझे लगता है गाना हर जगह पे है, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में है, अलग अलग आर्टिस्ट्स हैं. कोई बहुत पॉपुलर है, कोई बॉलीवुड चार्ट्स पे नंबर वन है, कोई रीजनल चार्ट्स पे नंबर वन है. तो हमें लगा क्यों नहीं हम कल्चरली अडेप्टिव सॉन्ग्स कंपाइल करें. और ये सारी मेरी ये जो शुरुआत है ये हुआ, मैं राजस्थान में बाड़मेर में अपनी मोटर बाइक पे टूर कर रहा था. वाह. तो मुझे रईस खान जी मिले एक छोटे से गांव में बाड़मेर. रोटी तो आप है. और वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो गर्मियों के दिन थे, मई जून के. मैंने पानी बोला कि मुझे पानी वानी पीना है, बोलते बैठिए. उन्होंने बताया मैं रईस खान हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. उन्होंने अपने टूर्स मुझे दिखाए, कह रहे देखिए मैं गाना भी गाता हूँ. अपना एक माउथ ऑर्गन होता है, इंस्ट्रूमेंट, वो तो सब लोग बजा रहे थे. तो मैंने कहा कि अच्छा आप कहाँ पे गाते हैं? बोलते मैंने स्वीडन में गाया है, मैंने नॉर्वे में भी गाया है, मैंने काइट फेस्टिवल में भी गाया है, मैंने ढोलावेरा में भी गाया है. तो मैंने कहा तो अच्छा आप यहाँ पे ही रहते हैं? बोलते हाँ. तो मैंने कहा कि मैं गाना सुन सकता हूँ? तो उन्होंने फिर स्पॉटिफाई पे मुझे अपने गाने सुनाए. वाओ. तो मैंने वो गाने सुने फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में मैं 3 मंथ्स में उनको डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्रोग्राम पे फॉर्मली लेके आया. उन्होंने लंगे जो होते हैं राजस्थान में, एक फोक आर्ट है, लंगों में उन्होंने हाइजीन एट होम, हाइजीन इन नेबरहुड, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस के ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स बनाए. और उस टाइम पे राजस्थान में डॉक्टर बी डी कल्ला वॉज अ एजुकेशन मिनिस्टर. सो ही सेड दिस इज़ अ फैबुलस वे ऑफ यू नो जुगलबंदी. तो ये सारे सॉन्ग सारे स्कूल्स में होने चाहिए, आदर्श विद्यालय में, उत्कर्ष विद्यालय में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स में, सब जगह पे. तो हमने वो सॉन्ग्स पहले लॉन्च किए और उसका इतना मैसिव रिस्पॉन्स आया बच्चों से. और जब मैं स्पॉटिफाई पर भी जब वो गाने सुनता हूँ अभी भी मुझे लगता है और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है. उसके बाद में सेकेंड एक अपॉर्चुनिटी मिला, घूमते घूमते राजस्थान से हम लोग जा रहे थे, वी रीच टू तमिलनाडु. तो वहाँ पे जेम्स वसंतन जो है ही वॉज ट्राइंग एंड टेस्टिंग समथिंग विद द वेरी यंग किड्स, आउट ऑफ स्कूल किड्स. तो हमने बोला आप किसी ने मुझे मिलवाया उनसे शाम को, बोला कि आओ इनका प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको. एंड द किड्स वर एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड मोस्ट ऑफ द किड्स वर आउट ऑफ स्कूल किड्स विद द लास्ट क्विंटाइल, सुपर पुअर. तो मैंने बोला तो फिर अच्छा तो आप सॉन्ग करते, बताया मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ वगैरह वगैरह. उन्होंने बोला कि देखो रवि मैं कमर्शियल करता हूँ और बच्चों को मेंटर करता हूँ और सॉन्ग सिखाता हूँ मैं, ताकि इनका फ्यूचर बन सके. मैंने कहा फिर आपके पास तो पूरे तमिलनाडु के बच्चों का फ्यूचर भी है और पौंडीचेरी के भी, तो विल यू डू 5 सॉन्ग्स विद मी? उन्होंने बोला हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, सारे आउट ऑफ स्कूल किड्स रहेंगे उसमें जिनको मैं सिखा रहा हूँ, एंड दे विल परफॉर्म. आई सेड परफेक्टली विल, वी विल टेक ऑल द किड्स. We launched it with the Deputy Chief Minister and the Chief Minister of Tamil Nadu and the Education Minister. Again, kuch songs to super duper hit hai, and the album is again on Spotify. That's great. Thank you so much. And since we are talking about the crucial role art and music play in behavior change, particularly in health and environmental education for children, joining us is Amar Singh Jodha, founder Red Balloon. He's an artist who's been working on marginalization and conflict issues across Asia, Africa, and Middle East. Thank you so much, Samar, for joining Thank us. Thank you very much. Thank you. So, Samar, I wanted to ask you, Red Balloon, tell us about that. You know, it shows how art empowers children, and you're specifically working with children in the age group of 13 to 23. You know, I mean, that age is again very, very crucial. Tell us about the work which you all do. Yeah, so, you know, it's not any rocket science, but the way this entire platform works is it's a mentorship program. So when we talk about leadership, conventional leadership thing is every kid wants to have a certificate after a month or whatever time the child has put in. We are not really talking about that kind of a program. This is going through, basically we use visual arts and performance arts as a tool. So you're not gonna master a puppeteer, you're not gonna become a filmmaker, but you use these tools through experts, which we put together, and the narrative actually comes from the kids.
So we worked in, you know, in some place in Chhatarpur with a community where the challenge was sanitation and addiction. Now, how do you put that across? So they came up with that. We worked with about 20 old kids. And these kids basically, you know, they developed, you know, a song and dance. They developed, you know, some other engagement poster campaign. And we got a puppeteer who basically brought in all the recycled plastic. And they made puppets out of it. They wrote the story with it. And then they did was they went back to the community. They did a door-to-door campaign. And then within the community, they presented something which otherwise, like earlier I was listening to kids, that when you talk to your parents, jo kehte hain ki, "Are, tumhe kya pata hai? Tum to abhi paida hue ho." But, you know, art is something which is a very softer platform. And you know better than how it can engage because it's a non-judgmental space. Yes. And it really helps you to open up. And so it didn't end there. These kids actually took this to other schools. And, you know, they became their local heroes. And, you know, so that's a change maker. That's the leadership we talk about. Yeah. You know? That's the impact, the strong impact. Art is something which is not age specific. I think somebody who's like 10-year-old or 11-year-old can be like more artistic than somebody who's like 30, for that's example. Right. So I think it's beautiful that, but you're specifically targeting 13 to 23. That's right. That's so right. You're so right about it. I think, you know, the biggest problem with young people really face, old people do, like me also, but at a young age is this whole judgmental space. Yeah. And creativity is a non-judgmental space because it's so free-flowing that you can have 10 different views on that same music. And you can still, you know, get away with it. It's not mathematics. It's not your left brain. Yeah. You know, it's a very free-flowing space, you know. So now we've heard the Banega Swasth India albums. Now we are finally going to listen to the Banega Swasth India anthem. But before we see the creation, we have to meet the creators. Yes, and that's why we are joined by Kausar Munir, someone who is known for writing deep emotional songs. She's the one who has written the anthem. Also joining us is Javed Ali, the soulful voice behind this anthem. Kausar, thank you so much for joining us. When you heard the brief, what was that one thing that inspired you to write this? Tell us about that, please. So before the brief, I'd like to talk about the fact that I was very happy to be attached with these two very valuable and prestigious brands, which is NDTV and Dettol, not just for the kind of name that they have, but the work that they do, the values that they stand for. And of course, the brief was fairly simple, but wahi simple cheeze jo hoti hain, wahi jaake badi kya kehte hain, dharnaye banti hain, campaigns bante hain. And to keep yourself clean, to have basic hygiene, to keep your hands clean. Brief was pretty simple that, you know, you have to spread the message that, you know, when you start keeping yourself healthy and clean is when the whole community and perhaps the nation itself prospers. So, huh? Javed ji, you also sung the campaign anthem last season. In fact, all your songs have that special touch. But when there's something particular, मुझे लगता है बच्चों के लिए आप कुछ special करते हैं हमेशा. There's an extra element which goes into your singing. Actually, जो भी गाना हम गाते हैं, जो भी character होता है, तो according to the character हमको अपने आप को उस situation में mold करना होता है. लेकिन जब बात आती है बच्चों की, तो आपको ना बच्चा बनना पड़ता है, नटखट बनना पड़ता है, नॉटी बनना पड़ता है. और आप इमेजिन कीजिए, बच्चे जब ना शरारत करते हैं तो किस तरह से करते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको अपने गाने में, अपने एक्सप्रेशंस में लानी पड़ती हैं. तो मैं वही करता हूँ, और जो भी गाना जिस सिचुएशन का हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है. तो मैं, अगर बच्चों की बात आती है तो मुझे मैं नटखट बन जाता हूँ, शरारती, थोड़ा नॉटी बन जाता हूँ. समर, हम यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वी हैव कौसर जी एंड जावेद जी ऑन विद अस, एंड वी गोना बी गोइंग बैक टू देम. यू वर्क वेरी क्लोजली विद चिल्ड्रन, तो इनिशिएटिव्स के बारे बताइए. लाइक यू टोल्ड अस अबाउट छतरपुर, किस तरह, जैसे हमने बात की कि आर्ट हैज़ एन इम्पैक्ट, जो विजुअल इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें बताइए कि खासकर ये एज उनके डेवलपमेंट पर किस तरह असर डालता है. अवेयरनेस हो कल्चरल पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंटल इशूज़ पे, किस तरह उनके ओवरऑल वेलबींग पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है. आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए, ख़ास करके विद सो मच फॉर डिजिटल नॉइज़, यू नो, इतनी सारी हर तरह की आवाज़, हर तरह का जजमेंट. तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विच रियली
comes with art is confidence, because the whole judgmental space can take a walk. And I think that really helps them in, you know, making any statement. It's not like, you know, you do a theater piece and अरे मैंने अच्छी acting नहीं की, पर दूसरों ने कहा कि हाँ नहीं बड़ी अच्छी की, तो you know that's done with. So you know it's really your inner voice. And जैसा आपने कहा, you know, everybody is born an artist. It's just that we send them to education system and they start punching in all the chemistry and math in your left side to activate it. But it doesn't mean that it's gone to sleep. The right brain is still there. But it's just a matter of, and I feel very strongly that, you know, children can be actually that change maker if we give them the tools, you know, whether it's a creative space or whether a platform where they can actually go and amplify whatever issue they believe in. And again, it comes back to there's nobody judging them. So they can, you know, that I worked with 20 girls out of Mumbai, they were dealing with traffickers. And it's such a raw issue, but they could create something to a level where they could take it back to the community and amplify it there, you know. So that's amazing. So art, chahe wo dance ho, music ho ya painting, hume better or healthier habits kaise develop karti hai? Hume humme se bahut log music ke saath cheezon se jude hain aur unhe yaad rakh pate hain. Bilkul. Aur jo म्यूज़िक है, किसी भी तरह की कला है, बट ख़ास तौर से म्यूज़िक, क्योंकि वो तो एक साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि वो दिमाग में रह जाता है. इट काइंड ऑफ रीवायर्स योर ब्रेन एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर यू नो मेमोरी यू नो हार्ड डिस्क. सो इट्स वंडरफुल दैट एनडीटीवी एंड डेटॉल डिसाइडेड टू मेक एन एंथम फॉर दिस कैंपेन, सो दैट इवन दो यू नो इट मे साउंड रियली सिंपल कि हाथ धो, wash your hands, stay clean, but if you really strip it down, it's such a simple but powerful message. If in our hands and in our person and in our thoughts and in our deeds we are clean, it kind of, you know, that does it. So to be able to put that into a song, to put that into an anthem, was fun, but it was also hard. Kyunki jitni saral cheez hoti hai utni mushkil hoti hai. It's easier to do big difficult winding things, but to be like I am being right now, but to be precise and to be kind of convey something within the parameters of a song, of a lyric, it's hard. And I'm so glad all of us together have done a fair job. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जावेद, संगीत को एक थेरेपी माना जाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा लर्निंग टूल भी है. हम इसे कैसे बच्चों की हेल्थ हाइजीन और मेंटल वेलबींग के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ना जो म्यूज़िक है उससे बड़ी थेरेपी कोई भी नहीं है. अगर हम हमारे बच्चों को म्यूज़िक थेरेपी दें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना, एक पोयम है, या एक कोई भी चीज़, आप एक कोई वाक्य ले लें. फॉर एग्जाम्पल एक गाना बहुत ही पॉपुलर है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. अब म्यूजिक निकाल दीजिए इससे, तो आप जल्दी लर्न नहीं कर पाएंगे. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की, क्योंकि ना वो एक राइम बना रहता है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा. तो इस तरह से अगर हम म्यूज़िक के ज़रिए बच्चों को चीज़ें सिखाएं, तो उनका लर्निंग स्किल बेहतर होगा, उनका ब्रेन डेवलप होगा. और ऑफ कोर्स जो म्यूज़िक का जो एक सोल है, उनका सोल भी मुझे लगता है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, आप मेंटली बहुत पीसफुल महसूस करते हो. तो जब इस तरह से बच्चों की शुरुआत की जाएगी, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. कौसर, यू've received a lot of recognition for your work in the hectic schedule of the film industry. How do you balance creativity with your well-being? In fact, how do you balance self-care while managing the demands of your career? Because we have been talking about self-care, which is an integral part of everyone, but especially for women, because very often women kind of forget themselves. So Kausal, that's for you especially, I wanted to know. It may sound like a cliche, but you're absolutely right. Women, whether it's in their homes or in their workspaces, they tend to be the
first respondents, as you were, for as you know, caregivers, and even if we're not talking about disease or, you know, illness, just kind of you kind of respond to a situation with a feeling of you know, trying to take care of others and trying to keep things you know, equanimous. To zahir hai ki usme kya hota hai, you kind of lose some sort of a grip or handle on how you're doing and how you're keeping. So I feel it has to be a practice. Any good habit has to be a practice. One has to get out of the mindset of that, oh, taking care of yourself is selfish or self-centered. It is really, really important. And it's also important if you want to take care of people around you. I remember meri dadi wo kehti thi ki khud ka khayal rakhna social service. And I feel it makes a lot of sense, because if you are kind of healthy and happy and strong, you'll be able to bring that energy and those resources to the people you love and the community at large. Kausar, aapke saath maine kaafi filmein ki hain, especially Meri Pyari Bindu, aapne bahut acche gaane uske likhe hain, and I'm really, really proud of you, jo aap kar rahi hain abhi. And Javed, we have a request for you, in fact. If you could share a snippet of the anthem or sing a few lines for all the lovely children sitting here. Zarur, zarur. Saaf haath, saaf tan, saaf tan to saaf man, saaf hai jo tan jo man, badhta jayega watan. Saaf haath, saaf tan to saaf man, saaf hai jo tan jo man, badhta jayega watan. चलते रहे करते रहे हम वतन की राह पूरी, चलते रहे करते रहे हम वतन की राह पूरी. Well, thank you so much, Kausar ji and Javed ji, for joining us. Banega Swasth India campaign anthem, Badhte Rehna Hai Zaruri, emphasizes the importance of cleanliness for personal and national progress. Clean hands lead to a clean body and mind, fostering a flourishing nation. It encourages overcoming challenges by staying clean and shedding worries, leading to unity and the arrival of a golden era, Amrit Kaal. The core message is to keep moving forward and continuously work towards the nation's betterment. Saaf haath, saaf tan to saaf man, saaf hai jo tan jo man, badhta jayega watan. Saaf haath, saaf tan to saaf man, saaf hai jo tan jo man, badhta jayega watan. Saaf tan to saaf man,
Well, that was an anthem, really fantastic music. You can download this music from the Banega Swasth India website. The URL is on your screen. Please go ahead and download this. Well, Ayushman, I don't know if I can, but I would like to ask you if you could hum some song, some words, or a few lines, or a song. I think bachche aap sunna chahte hain Ayushman ji ko. Aap mujhe mana kar sakte hain, bachcho ko nahi. Ek mera naya gana aaya, iska naam hai Reh Ja Mere Kol. It goes like, Saadi sawa di so, thandiyan chhawa di so, saver di coffee di so, roz di maafi di so, pehli barish di so, meri guzarish di so. Reh Ja Mere Kol, Reh Ja Mere Kol tu, ruk de ni hanju. Reh Ja Mere Kol tu, ruk de ni hanju. Thank you so much. Wow. Well, clearly you can see the joy, and in fact, we've loved the music. Thank you so much for doing that thank for you, us. Thank you, thank you. Well, as we wrap the first decade of one of India's longest-running public health campaigns, we have something exciting lined up in Season 11. We are introducing the Hygiene Innovation Challenge, which is open to the young minds from the age of 15 to 25. So, well, this is your chance to join Banega Swasth India and be a part of the change. This will be a competition that seeks to identify and reward groundbreaking innovations in health and hygiene to discover and support solutions that can be scaled and are sustainable, raise awareness, and to foster collaborations between innovators, experts, and organizations. The details of this innovative challenge will be on your web on our website very soon, so please stay tuned. Well, I think before we move any further, a quick thing about the innovation, Ravi. What were the thoughts behind this challenge as we move on to Season 11? On October 2nd. So, hygiene is a basic foundation for health, and innovation is super important. So, as a basic foundation for health, it's important, like, we invest significantly behind this. And it's also a very interesting self-care tool. So, more the reason to invest, and more to get the like-minded people, innovators, UN agencies, civil societies, kids, parents, new moms, old moms, artists, everyone together, so that we make India Swasth and Sampann. Thank you. Ravi, your relentlessness and excitement is very, very contagious. It's amazing. And last 10 years of Banega Swasth India has been a learning experience. And as we look into the future and think of the challenges ahead, like climate, we realize how much we need to continue the focus on hygiene and hand wash. How we need to ensure that we stop infections and diseases right at the cusp. Over the last 10 years, together with you, our viewers, our stakeholders, the government and all our partners, we have achieved a lot, but there's still a long way to go. And we're ready and excited to move with many more initiatives and innovations planned. Thank you so much for being a part of our passion and commitment.